ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया भाई? बस अलन नहुसत की वजह से ऐसी हो गई। अबे नहुसत की वजह से नहीं, नकाहत की वजह से आवाज कमजोर हो जाती है। ठीक है अलन, अब तो जल्दी से मुझे कुछ खिलवा दे, नहीं तो जो 3-4-5 मेरे साथ बातें करनी जल्दी जल्दी कर ले। क्यों? मुझे यकीन हो गया अलन कि मैं भूख की वजह से ज्यादा ज्यादा 2-3-4 घंटे जी सकता हूँ, इसके बाद इंतकाल कर जाऊंगा। अबे तू तो इंतकाल कर जाएगा, मेरा इंतकाल हो चुका है। जिंदगी नाम की तो कोई चीज मेरे अंदर बाकी ही नहीं रही। बस बेटा यूं समझ लो कि मैं चलती फिरती बेगोरो कफन लाश। हाय हाय, हमारे पास तो कफन दफन का इंतजाम भी नहीं है। देख रहे यार। क्या 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 कहा? कुछ नहीं मगर क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने। एक बार फिर क्या? नहीं नहीं अलन, तू मुझे मारेगा। मैं नहीं। बोल 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 बोल। तुम्हारे नहीं नहीं बोल। मैंने कहा कि हमारे पास तो कफन दफन का इंतजाम है। मैं सदके जाओ तेरे ऊपर, बात दफा तो ऐसी पते की बातें करता, खुदा कसम दिल खुश हो जाता। अबे हम कफन के जरिए भी लोगों से पैसा खींच सकते हैं। ले इस धंधे का हमें ख्याल ही नहीं आया। चुप है, इस किस्म की मेरे साथ बात ना करना बिल्कुल। क्यों? देखा ले, मैं मुर्दों के कफन नहीं चुरा सकता हूँ। देख तूने जिंदों के जिस्म पे एक धज्जी नहीं रहने दी, अब मुर्दों के कफन भी चुराने लगा। अबे मैं मुर्दों के कफन की बात थोड़ी कर रहा हूँ यार। तो फिर किसकी बात कर रहा है? मैं तो अपने कफन की बात कर रहा हूँ। तो तुझे कफन की क्या जरूरत है? तुझे तो लिफाफे में भी डाल के दफनाया जा सकता है। बकवास कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एक बात सुन, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दम साफ करके नीचे लेट जाता हूँ फुटपाथ पर, ठीक है ना? और तू कफन के नाम पे लोगों से चंदा जमा करना शुरू कर दे। अबे घंटे दो घंटे में तेरी दोनों जेबें भर जाएंगी पैसों से। यार अलन, मुझे कफन के बारे में पता नहीं है ना कि क्या क्या होता है। लाजमात? क्या लाजमात? कपड़ा कितना लगता है कफन पे? यार पहले कभी सिलवाने का इत्तेफाक थोड़ी हुआ है मुझे। यही लगता होगा कुछ 20-22 गज लट्ठा लग जाता है। तो कौन सा कपड़ा लगता है? अबे मैं कोई बॉस की या टेट्रॉन मांग रहा हूँ, लट्ठे से काम चल जाएगा। नहीं अलन, तेरे तेरे कफन के लिए खदर ठीक रहेगा। देखना एक तो सस्ता होता है, फिर चलता भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैल खोरा होता है। अबे खदर तो पहन लिए मुल्क के दानिशवरों ने। हाँ। गरीब के जिस्म पर सिर्फ एक सस्ता कपड़ा रह गया था खदर, वो भी उन्होंने उतरवा लिया उससे। हाँ ये तो तू ठीक है सर। ठीक है तो फिर ऐसा करता हूँ मैं, तो मैं नीचे लेट जाता हूँ और तू सारों कतार होना शुरू कर दे। शाबाश। यार नहीं अलग नहीं है, उठ के बैठ जा, उठ के आ जा, इधर आ जा। क्यों? मैं रो नहीं सकता बल्कि। क्यों? क्योंकि देखना भूख की वजह से मेरा मैदा बिल्कुल खुशक हो गया है और मेरे मुंह में कोई आंसू नहीं आया। मुंह में आंसू कौन मांग रहा है तुमसे? आंखों में चाहिए। हाँ आंखों में नहीं आंसू आ सकते। तू ऐसा करना यार, कोई दर्दनाक मंजर याद कर अपनी जिंदगी का, रोला देने वाला। देखना तेरे खानदान में किसी की मौत हुई होगी जिस पर तू बहुत रोया होगा, तेरा कलेजा फट गया होगा। कोई आया? याद कर याद करना यार। हाँ आ गया। कौन? अलन मेरी फुफो जब फौत हुई। मर गई? अच्छा आगे बोल। तो इसमें हंसने की क्या बात है? फुफो मर गई? नहीं नहीं नहीं। अच्छा तो मैं बड़ा रोया था अलन। अच्छा वो मुझे बड़ा प्यार करती थी अलन। अच्छा अच्छा। मुझे अपने हाथों से मेरा मुंह हाथ धुलाती थी। अच्छा अच्छा। मुझे कपड़े पहनाती थी। हाँ। और मेरे बालों में कंघी करती थी। बाल थे? अबे टाखियां फेरती होगी प्यार भरी तेरे सर के ऊपर। ये मेरा सर है, खुरा नहीं है जो इस पे टाकी फेरी है। अबे उनकी मौत को याद कर, उनकी मोहब्बतों को याद मत कर। हाँ यार अलन, जब वो फौत हुई ना तो मैं ईमान से बड़ा रोया था। अच्छा। मैं क्योंकि मेरे सर पे कोई और हाथ रखने वाला नहीं था ना। बहुत अच्छा। मैं रोता था। बहुत अच्छा। और साथ उसको कहता भी था। हाँ। कि फूफो जान आप क्यों चली गई है? मुझे रूठ के क्यों चली गई है फूफो जान? आपके सिवा मेरा दुनिया में कौन है? रोक ले अभी रोक ले। जब मैं लेटूंगा तब फिर शुरू करना। देख चार बज गए, कलर को और चपड़ाचू का तबका बाहर आने वाला है छूट करके, ठीक है ना? यही वो एक हमदर तबका बाकी रह गया है बेचारा, जिसके दिल में थोड़ा सा खौफ खुदा बाकी है। जब वो इस बेगोरो कफन लाश को देखेंगे ना यहाँ फुटपाथ पर, बेचारों का दिल पसीज जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि कल को उनके साथ भी यही होने वाला है। समझ गया ना? ये बात ध्यान में रखना और अब रोना शुरू करो। चलो शाबाश। देख के इंसान को अपनी मौत याद आती है। हां चलो बेटा, देखो मैं ले जाता हूँ और तुम दारो कतार रोना शुरू कर दो। चलो चादर दे दो। चादर की क्या जरूरत है? तूने ऐनक तो लगाई हुई है। ऐनक? चादर की नीचे लगाई हुई है। मुझे ठंड ना ना लग जाए। जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। हाय फूफो जान। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। आप क्यों मर गई फूफो जान? बात सुन, ये जूतियां उतार के अपने पास रखियो वरना कोई लेके चला जाएगा। चोट तो गई जूतियां। शाबाश शाबाश। हाय फूफो जान। क्या
आप क्यों मर गई? आए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहा है। कहाँ चली गई आप? आगे तो दीदी कर। हाय बुबो यार, आपके सिवा मेरा कौन है दुनिया में? हाय 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 भाई जान। क्यों भैया, कौन मर गया है तुम्हारा? ये देख नहीं रहे, ये लाश पड़ी हुई है, ये मैं कुछ दूध की रेड़ी लगा के तो नहीं बैठा हुआ। ये किसकी लाश है? ये मेरी फूफो जान की, खुदा की कसम मेरी आंखों के सामने मर गई। हाय मर गई मेरी फूफो जान। मर गई? कैसे मर गई? कैसे मरता आदमी, फाकों की वजह से। सबर करो भाई, जाने वाले लौट कर नहीं आते। मेरा मतलब ये है कि मुझे इनके लौटने की फिक्र नहीं है, इनके जाने के लिए लट्ठा कहाँ से आएगा, कफन कहाँ से आएगा? हाय हाय हाय, ये रख लो 10 रुपए। बड़े अफसोस की बात, ये 10 रुपए में कफन, आप हमें अपनी मां से बताएं कि आपका कफन आ सकता है? 10 रुपए में तो आजकल किसी बच्चे की चड्डी नहीं आती, तो कफन कहाँ से आएगा? कोई और अल्लाह का प्यारा मदद कर देगा, इस वक्त तो यही थे मेरे। हाय फूफो जान। ओए क्या क्या? हाँ फूफो जान चला गया। यार ये फूफो, फूफो की क्या रट लगा रखी है तुमने? तूने खुद तो कहा था फूफो के बारे में सोच। अबे कौन ही मार फूफो को, क्या दे गया वो? अपनी मौत से डर के 10 रुपए दे गए। ये ले लें, ये अपने जल्दी से नान छोले मंगा ले। यार ये इस वक्त लाल छोले मंगाने का वक्त है, पागल हो? लाश पड़ी हुई है फुटपाथ के ऊपर, कौन सी लाश? आता जाता किसी ने देख लिया कि ये बकवास करके बात है। कौन सी लाश पड़ी हुई? अरे मेरी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अबे चुप चुप चुप। भाई जान, चुप हो जान। क्या हुआ मेरे भैया? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? आखिर हुआ क्या है? सुबह से ये लाश लेकर सड़क पे बैठा हुआ हूँ। किसी जलील इंसान से ये नहीं हुआ कि लो भाई ये कुछ पैसे रख लो, कफन दफन का इंतजाम कर लेना। भैया इंतकाल कैसे हुआ? अब मैं इंतकाल करके बताऊं आपको। इंतकाल ऐसे हुआ। मेरा मतलब है कि बीमारी क्या थी? बड़ी मोहलिक बीमारी थी। अच्छा। खुदा किसी दुश्मन को ना दे, आमीन। फिर भी क्या बीमारी थी? भूख। भूख और फाकों की वजह से तड़पती रही, मरती रही। मैं रोकता रहा कि फूफो डोंट डू इट, लेकिन नहीं मानी। अच्छा। आखिरकार किल्ड, किल्ड मर गई। अब तुम को अंदाजा लगाओ। हाँ खुद सोचो कि फूफो मैं तुम्हारे कफन दफन का इंतजाम कैसे करूंगा? अगर मुझे जिंदा होती तो मुझे सिर्फ यही फिक्र होती कि तुम खाना कहाँ से खाओगी। मेरे भाई चुप करो, मुझसे तुम्हारा ये रोना नहीं सुना जाता। चुप करो। फिर ये लो मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। 10 रुपए कमाल है, आप लोगों ने सरकारी रेट लगाया हुआ लाश का। मेरे जो भी आता 10 रुपए पकड़ा के चला जाता है। मेरे भाई अल्लाह की जात बड़ी कारसाज है, कोई और बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा जो अल्लाह को जो बंदोबस्त हो रहा है, ये नोट तो देख लू ठीक ही है ना। क्यों मैं ये फाकों से क्यों मार रहा है फूफो को? मैं तो फूफो को गोली से मार दूं। फाकों के अलावा इंसान किस चीज से मरता है? मैं मरने के 100 बहाने होते हैं। ये ठीक कहता है, मरने के 100 बहाने, जिंदा रहने का कोई बहाना नहीं। बिल्ली आ रही? अबे नहीं यार, वो देख सामने, वो जो गाड़ी पार कर रहा है ना, वो सेठ लगता है, वो चश्मे वाला, वो उसकी किक्का कुर्ता पहने हुए, उसके सामने खूब जोर जोर से गिड़गिड़ा के रोना, उसका दिल पसीज जाएगा। इन लोगों के पास बड़ा पैसा होता है। टांगे तो बंद कर। फूफो जान मर गई, फौत हो गई फाकों की वजह से। फाकों की वजह से? भूख की वजह से। 6 दिन तक कैंटीन तो ऐसली तड़पती रही भूख की वजह से। आखिर 7वें दिन रोटियों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से रहलत फरमा गई, आमीन। भाई तुम्हारा कोई कारोबार ना होगा? जी हाँ, कारोबार होता तो मैं इनको मरने देता। कारोबार नहीं था, जभी तो मैं बैठ के रो रहा हूँ। ये आप क्यों रो रहे हैं? ये रोना तो हम गरीबों की किस्मत में लिखा होता है, ये आपके सिलसिले में रो रहे हैं अमीर आदमी। आज से 10 साल पहले आप फौत हुए थे? नहीं, मेरी वालदा फौत हो गई। फाकों की वजह से? नहीं, अस्पताल के एक बरामदे में। हाँ जी, बरामदे में तो देखना, मैं उनकी लाश, आसान हो जाती है। मैं उनकी लाश को अपने कांधे पर उठाए,
इसी तरह सड़क पर हर आने वाले आने के सामने हाथ फैलाए हुए था। अच्छा अच्छा आप भी मुझे वो मंदिर अब भी याद, इसी तरह सड़क पर लाश पड़ी थी और मैं रो रहा था। मुझे दुनिया अंधेर लग रही थी। फिर वो एक फरिश्ता सिस्ता आदमी उधर से गुजर रहा था। कैसे आप गुजर रहे थे? अच्छा उसने मुझे 200 रुपए दिए। अच्छा। मेरे साथ कब्रिस्तान गया। वेरी गुड। मेरी माँ को दफनाया। शाबाश। मुझे अपने साथ घर ले गया। वेरी गुड। वहाँ उसने मुझे रोटी खिलाई, अपने पास रखा। अच्छा अच्छा। और फिर मेरे लिए सारी जायदाद छोड़कर मर गया। अच्छा। उसकी कोई औलाद नहीं थी। औलाद तो मेरी भी कोई नहीं है भाईजान। देख भाई मेरी किस्मत बदल गई। अच्छा आज मैं करोड़पति। वेरी गुड। ये में क्या है? ये लो 200 रुपए। 200? बड़े अफसोस की बात है। 10 साल पहले उस शख्स ने आपको 200 रुपए दिए थे। आपको पता है कि आजकल महंगाई कितनी, रेट ज्यादा हो गया, कुछ तो रेट बढ़ाइए भाई। 500 दे दो, मैं तुम्हारे साथ कब्रिस्तान भी चलूंगा। वेरी गुड। कब्रिस्तान? नहीं नहीं मैं कब्रिस्तान नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो आपको साफ कर रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, ये नेकी का काम ना। क्यों? मगर क्यों आप जाना चाहते हैं कब्रिस्तान भाई? एक्सप्लेन। ये आप ऐसा कीजिए, आपने 300 वापस रख लीजिए, 200 ही रहने दें। आप मुझे, मैं कब्रिस्तान नहीं लेगा भाई। मुझे मेरी माँ की लाश याद आ गई तो माँ के कब्रिस्तान जाए मेरे साथ जाने के लिए। चार पाई का बंदोबस्त करता हूँ, मेरी गाड़ी दूर खड़ी है। अच्छा आप यही मेरा इंतजार करें। अच्छा। मैं अभी आता हूं। हम दोनों आपका यही इंतजार कर रहे हैं। जरा जल्दी आइएगा वरना ये लाश पोत छोड़ जाएगी, ये अलन का मुर्दा खराब हो जाएगा। अरे उठ, भाग, भाग। अरे अरे बाजू, अलन का जब भागना नहीं। अरे भाग, वो तेरे लिए चारपाई लेने लिए किया हुआ है। चारपाई लेके आएगा, हम तुम्हें अच्छे से कब्रिस्तान में जमा करा देंगे और मैं अमीर आदमी हो जाऊंगा। दिमाग खराब है, वो अगर आ गया तो सारा भांडा फूट जाएगा। अलन मैं ईमान से तेरे लिए एक बहुत खूबसूरत मकबरा बनवाऊंगा और उसके ऊपर यहाँ पे लिखवाऊंगा कि यहाँ जूतों की हिफाजत खुद अपने आप करें। बात किया जा रहा है, अबे आ जाएगा, पकड़े जाएगा, भाग। पता नहीं कहां दफा हो गया, लोग इतने आ जा रहे हैं, अब तक कितने बन गए काम। अलन कमीना जाके बैठ कहां गया? मुझे यहाँ बिठा गया और आप किस बैठा होगा किसी जाके एयर कनेक्शन सेंटर में। ठीक है मेरा पीछा, मगर आप हैं कौन? जल्दी करो, वक्त नहीं है, पुलिस मेरा पीछा करी है। मफरूर हूँ, ओए मर गया, कत्ल करके भागा। ओए मर गया, तुम कहाँ भाग रहे हो? किसी तरह कहीं छुपा लो। मैं कैसे छुपा सकता हूँ? देखिए कि मैं कोई मदारी का बच्चा तो नहीं, आपको छू करके गुम कर दूँ। पीछा करी, मैं कह रहा हूँ मुझे छुपा दो। अच्छा इसके पैसे लगेंगे? ले लेना यार, ले लेना। तो फिर ऐसा करें, आप ये चादर लेकर लेके और मैं जाकर को पूछेगा तो मैं कह दूंगा मेरा चाचा फौत हो गया। कैसी तरकीब है? बहुत अच्छी। इसके पैसे ले जा लूंगा। ले लेना। चलो जल्दी ऊपर, मुंह बंद करें, मुंह बंद करें, मुंह बंद। ये तो सेट हो गया। होए चाचा जान, होए मेरे चाचा जान, रा रा री रा चाचा जान। क्या हुआ जी? बेगम साहिबा, मेरे चाचा जान बहुत हो गए जी। आपके लिए तो नहीं रो रहा, चाचा के लिए रो रहा हूँ। होए होए, कैसे इंतकाल हुआ इनका? होए बस ये इज्जत वाले थे, कहते थे मर जाऊंगा, इज्जत और जमीर नहीं बेचूंगा, हराम की कमाई नहीं खाऊंगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। और आपको तो पता है ऐसे हालात में इंसान मर जाता है। मगर कोई बीमारी तो होगी? एक बीमारी हो बेगम साहिबा तो बताऊं। सुनिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, किसी के साथ ज्यादती नहीं करते थे, हर किसी की भलाई चाहते थे। और आपको तो पता है इनको देख लीजिए, इनके साथ कितना बुरा हुआ है। तो आप इनकी लाश को सड़क पर डालकर क्यों रो रहे हैं? तो और क्या, मैं इनकी लाश को लेंटर पे डाल के रोऊंगी? आप इनको दफन करें जाकर? जी कैसे दफन करूं, कहां दफन करूं, कफन के बगैर आपके खाली कुर्ते में डाल के दफन कर दूं? बड़े अफसोस की बात है बेगम साहब, आपने शॉपिंग पे जाती है कभी तो देखा है आपने लट्ठा क्या भाव है? आप मुझे 50 रुपए दे रही है, इसमें क्या बनेगा? चलिए ना, आपकी बात ना मेरी बात, अब काफी है। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहब, आपने गरीब की लाश को कफन दिया है, अल्लाह ताला आपकी लाश को कफन देगा। चुप चुप, कराना बंद कर, तबीयत ठीक नहीं है। बुलाऊं फिर पुलिस को? अल्लाह तो सांस नहीं निकालता था। मेरी सांस उखड़ रही है। चुप 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 चुप, पुलिस वाला आ रहा है। ओए चाचा जान, ओए चाचा जान,
ए चचा जान, चचा जान। बेटे तुम क्यों रो रहे हो? चचा जान फौत हो गए हैं। इनकी लाश को लेके कब्रिस्तान गया था, उन्होंने लाश को चेक किया और लाश वापस कर दी। क्यों? कहने लगे इनका ड्रेस ठीक नहीं है। मैं मतलब है कि इनको कफन पहना के लाओ। हाय हाय हाय, सोचिए मैं कफन कहां से लाऊं? क्या कफन भी नसीब नहीं है? ना कफन है, ना कफन के लिए पैसा है। चाचा जान, एक दिन आपने भी इसी तरह लुढ़क जाना है। हाँ जी, और आपको तो पता है कि आपको तो ज्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, 3-4 दिन तक ओके हो जाएगा। अब आपको सोचिए कि आपकी लाश इसी तरह पे गोरो कफन सड़क पर पड़ी हो और दरख्तों पे चीले यूं देख रही हो आपको, कि किस वक्त ये ट्रैफिक बंद हो और आपके ऊपर झपट पड़े, सोचिए उस वक्त आप क्या सोचेंगे। मुझे बहुत दुख हुआ। सिर्फ दुख हुआ? मेरा रो रो के गला बैठ गया करण, सिर्फ दुख हुआ। ये 5 रुपए? ये 5 रुपए? ये मैं क्या 5 रुपए में लाश को चूस नहीं लेती? क्या बात कर रहे हैं चाचा जान, अब 5 रुपए में तो लाश मुझे घर नहीं पड़ती, क्या बात कर रहे हैं इससे ज्यादा? आप अपनी मौत का सोच के जेब में हाथ डालिए, कुछ ना कुछ और निकल आएगा। मेरे पास किसी 5 ही रुपए थे, कोई और मत कर देगा मेरा। हाय चाचा जान, हाय चाचा जान, कोई इनके कफन के लिए मदद करे। अबे ये कौन लेटा हुआ बदबख्त? भाईजान मेरे चाचा जान हैं, आप इनके लिए कफन का इंतजाम कर दीजिए, अल्लाह ताला आपके कफन का इंतजाम करेगा। मैं हूँ, डर नहीं आ रहा। अरे तू कहाँ चला गया? देख ले ईमान से, तेरी जगह पे मुझे को एक और आदमी लेटाना पड़ा है। एक और आदमी लेटाना पड़ा? ये देख, ये क्या खा रहा है? आ गया? अबे पत्ती चली गई थी। कौन सी पत्ती? का दरख्तों को चूम रहा था तू? हाय चाचा जान, आप कहाँ चले गए चाचा जान? ये देखिए चाचा जान। क्या हुआ बाबूजी, आप क्यों रो रहे हैं? चाचा जान के लिए रो रहा हूँ, जो कुछ होना था वो हो गया। लाइए रकम निकालिए, चाचा जान के लिए कफन खरीदना है। लेकिन पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो कहाँ गया पैसा? ये 4-5 जो खरीद लाया हूँ। इसका मतलब है कि आप घर में सोते हैं, फुटपाथ पे नहीं सोते? हाय हाय हाय, कैसा जमाना आ गया है कि मैयत फुटपाथ पर पड़ी है और चारपाई लेकर के आप घर सर पे खड़े हुए? हाय हाय हाय, अरे कुछ नहीं तो चारपाई तो छोड़ जाओ मेरे भाई, लाश का कुछ तो एहतराम करो, तुमने भी एक रोज मरना है। डालो इधर, डालो इधर, डालो इधर। हाय चाचा जान, अरे चाचा जान, ये देखिए जमा हो गए हैं, तमाशा नहीं हो रहा है, मुंह मत देखिए, मैयत को उठाइए चारपाई पर रखिए। चलिए चलिए चलो, शाबाश शाबाश, आराम से, आराम से चारपाई रखो, आराम से भाई। हाय हाय हाय, चाचा जान हट जाए, मुंह देख रहे हैं सबके सब, कफन नहीं है ये, पता है कि कफन नहीं। हाय हाय चाचा जान, चार भाई आ गई, कफन नहीं आया। नहीं आया, यही तो है भाई। किसकी लाश है ये? चाचा जान की है। कितनी मौत मरी? और क्या, बदफितरती मौत मरता है कोई? क्या करते थे मरहूम? यही करते थे जो हम कर रहे हैं। जनाब ये अखबार निकालते थे फिल्मी, हैदराबाद सिंध में, आज से कई साल पहले, तब से गठिया का मर्ज हो गया। जी हाँ, क्या नाम? गुलाम रसूल। जा गुलाम रसूल, गुलाम रसूल जख्मी। उस नाम का अखबार तो मैंने आज तक नहीं सुना। वो चचा का नाम बता रहा, अखबार का तो नहीं बता रहा। नहीं नहीं, मैं अखबार का नाम पूछ रहा हूँ। जख्मी साहब का अखबार होता था, मुलाकात। हाँ जी, मुलाकात फिल्मी रिसाला, फिल्मी अखबार था वो। क्या हुआ? लाश पड़ी है और रो रहे हैं, ये नहीं कि कफन का कुछ करें, इंतजाम कर दें। अब आप खुद सोचें कि अखबार में हम लपेट के इनको दफन करेंगे? ना, ना, ये मेरे उस्ताद थे, मेरे मौसिन थे। ये लो 100 रुपया कफन लिखा, जाओ कौन लाएगा? भैया एक बार शक्ल दिखा दो आखिरी मरतबा। पैसे ले लिए? जख्मी साहब, ये देखिए जख्मी, ये जख्मी साहब तो नहीं है,
भाई जो कुछ हमारे पास था, जो हाजिर सिताक था आपको दिखा दिया, इसी के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ओ जी, ये तो मशहूर मफरूर बदमाश तीफा है, इसके लिए तो पुलिस ने 5,000 रुपए इनाम रखा हुआ है। वो तो ये मरा तो नहीं होगा, जिंदा है। तीफा जल्दी से उठ गया, 5,000 रुपए मिल रहा। चलो चलो थाने से फोन करो जल्दी। तीफे तो मर गया है भाई, ये तो मर गया है। मर गया हाँ। तो देखिए जी, फिर आप हमें 1,000 जरूर दे दें, ये 5 नहीं देंगे तो 1,000 तो जरूर देंगे ना। चलो तीफे, तुम कहाँ चला गया तीफे? तुम कौन हो बहन? हमने इसके कफन दफन के लिए ये पैसे जमा किए थे, ये लो, ये तुम रख लो। चलो आप उठाओ इसको, ले जाओ, ले जाओ। खबर कर बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे जाने। देख ले अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से कितना नेकी का काम कराया। चुनाचे इसी के देख ले, पैसे हम वैसे इकट्ठे कर रहे थे और वही कफन दफन के लिए काम आ गए, है ना यार अजंत? देख किसी दिन अगर तू भी इसी तरह पुलिस की गोली से मर गया ना, कौन तू भी, मेरा मतलब है पुलिस की गोली से या किसी चीज के नीचे आकर मर गया और इसी तरह तुम्हारी लाश पड़ी हो तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब ये कफन दफन का इंतजाम तुम्हारा भी हो जाएगा, जिस तरह तूने आज दूसरे का किया ना, इसी तरह तुम्हारा तो मतलब।